नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED 4 सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अगर ये प्रश्नों के कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए तो ये मान के चलो कि आपके 4 से 5 नंबर तो बिल्कुल पक्के हो गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एज़ इट इज़ यही क्वेश्चन आ जाएंगे, और ये भी नहीं कह रहा कि एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्योंकि ये जो हैं ये आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ आ सकते हैं या फिर इन्हीं का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लो, देख लो, और इनमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ये भी समझ लो, ताकि ऐसे ही प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आ जाए तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने प्रश्न कराऊँगा उनमें से 4 से 5 नंबर पक्के हो सकते हैं आपके, अगर इन सभी के आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी का निशान दबा लो, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आपके सामने देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न समीकरण को हल करो और उत्तर की जाँच करो। यहाँ पर दोनों चीज़ें करनी है, एक तो हल भी करना है और उत्तर की जाँच भी करनी। तो सबसे पहले देखो ये 4y² = 11y + 3 है। तो सबसे पहले तो इसको आप हल कर लो। कैसे हल करोगे, ये सब इधर ले आओ तो ये गुणनखंड से हो जाएगा 4y² - 11y - 3 = 0। अब 4 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 हो जाएगा 12। अब 12 के परिप्रेक्ष्य में 11 को तोड़ना है तो कैसे इसको तोड़ेंगे, 4y² - 12y + y - 3 = 0। -12y + y इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये घटेंगे और घट के आ जाएगा 11y और चिन्ह लगेगा बड़े का, ठीक। तो इस तरह आप इसको तोड़ सकते हैं। अब इनमें कॉमन ले लो, 4y कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ से बचेगा y और यहाँ से बचेगा 3। अब यही y - 3 उतार के यहाँ रख दो और देखो ये y है, ये भी y है, यानी +1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4y + 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y - 3 = 0। अब यहाँ पर देखो इसको 4y + 1 = 0 करो और y - 3 = 0 करो, अलग अलग कर लो तो y = 3 आ जाएगा और यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/4। तो यहाँ पर सदैव हम लोग प्राकृतिक संख्या लेते हैं, और तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पर कौन सी है, y = 3। अब ये तो आपकी वैल्यू निकल के आ गई, यानी समीकरण आपकी हल हो गई। अब यहाँ पर हमें करना है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, उत्तर की जांच में अगले स्टेप में लिखेंगे कि y का मान मूल समीकरण में रखने पर, तो y का मान है 3 तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान मूल समीकरण में रखने पर, ठीक है, लिख लेना आप। अब यहाँ पर y का मान 3 है तो 3 वैल्यू रखो, 11 × 3 + 3 यानी y की जगह 3 आ गया, ये y की जगह 3 आ गया, 4 × 9 11 × 3 = 33 + 3 = 36 यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये आपका उत्तर की जांच भी हो गई। अगर दोनों साइड बराबर आ जाएं तो ये मान के चलो कि आपका जो उत्तर है वो सही निकला था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 700 को ऐसे 2 भागों में बांटो कि एक भाग का 40% दूसरे भाग का 60% से अधिक हो। यानी यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स में बांटना है। तो मानो पहला नंबर कितना मान लो, x मान लो, दूसरा कितना मान लो, y मान लो, ठीक। अब बोल रहे हैं 700 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, यानी भागों में बांट रहे हैं 700 को, यानी दोनों का जो योग होगा वो आपका 700 होगा, x + y = 700, क्योंकि 700 को हम 2 भागों में बांट रहे हैं ना, तो उन दोनों का योग क्या होगा, 700 होगा। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरह अब अगला स्टेप लिखा है, एक भाग का 40% एक्स का कर लेते हैं 40%, ये हो गया एक्स का 40%। ये किसके बराबर है, ये दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, यानी
इसका 60%, इससे 80 अधिक है तो 80 को जोड़ दिया। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से आप देखो, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। इसी तरह यहाँ से 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 × 3 = 6 हो जाएगा और 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x/5 3y/5 +80, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 2x/5 3y प्लस 8 × 5 ये हो जाएगा 400/5, ठीक। अब ये 5 नीचे के कट जाएंगे, 2x - 3y, ये माइनस का इधर, ये प्लस का है इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, = 400, ठीक। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें x और y की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर आपके सामने 2 इक्वेशन दे रखी है, x + y = 700, 2x - 3y = 400। ऐसी कंडीशन में जब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है तो कम से कम एक चीज़ तो बराबर हो, x x बराबर हो या फिर y y बराबर, दोनों में से कोई बराबर नहीं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि x को बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर है 2x, यहाँ है x, अगर हम इस सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर हमें 2x मिल जाएगा, और ये दूसरी वाली इक्वेशन में 2x पहले से है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x + 2y = 700, में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1400, ठीक। अब इसको कर लो सॉल्व, चिन्ह बदल लो, माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो कट जाना है, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, 3 × 2 = 5, 5y = ये 400 प्लस का, ये माइनस का 1400, तो ये हो जाएगा माइनस का 1000, ठीक। अब ये माइनस माइनस कट जाएंगे क्योंकि दोनों साइड है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000/5, और 1000/5 होता है 200। वाई इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, 200 वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब y आपके पास 200 आ गई, तो अब हम लिखेंगे अगले स्टेप में कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर आप रखोगे 200, x + 200 = 700, तो ये 200 उठकर बराबर के उस तरफ चला जाएगा, तो 700 - 200 = 500, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, वो आपकी आ गई 500। यहाँ पर आप देखो, x + y = 700 था, y की वैल्यू आ गई थी 200 = 700, x = 700 - 200 = 500, ठीक। तो ये आ गई, y की वैल्यू आपकी 200 आ गई। अब इन दोनों को जोड़ो, देखो 700 आ भी रहा है, क्लियर हो गई बात। तो इस तरह प्रश्न संख्या 2 कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लेते हैं पुत्र की आयु है x, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी है तो 3x हो जाएगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी x + 2, पिता की आयु हो जाएगी 3x + 2, ठीक। और बोल रहे हैं 2 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो ये लो, पुत्र की आयु को हमने कर दिया 2 गुना। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकल आएगी, पुत्र की निकल गई, पिता की 3x में रख देना, 2x + 4 = 3x + 2, 3x - 2x, ये 2x प्लस में उधर जाएगा, माइनस हो गया, 4 - 2 2x, यानी पुत्र की वैल्यू, यानी पुत्र की आयु आ गई 2 वर्ष, और पिताजी की आयु कितनी आ गई, 3x, मतलब 6 वर्ष। देखो कितने अच्छे पिताजी हैं, 6 वर्ष की उम्र में इनका पुत्र 2 वर्ष का है, कितनी आसानी से देखो निकल आया, क्लियर। 4 है चतुर्भुज ABCD में, AB समांतर है CD के, AD परपेंडिकुलर यानी लंब है AB पर, और AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC और DC ये दोनों बराबर हैं 5 सेंटीमीटर के। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये समलंब आपको दिख रहा होगा, ठीक। ये जो आकृति है ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर और नीचे वाली ये दोनों कैसी हैं, ये समांतर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, समलंब का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता क्या है, 1/2 × ऊंचाई
इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ठीक, तो यहाँ पर देखो समांतर भुजाओं का योग तो हमें मिल जाएगा क्योंकि ये 5 दे रखा है और ये 8 दे रखा है, तो समांतर भुजाओं का योग तो हमें मिल गया, लेकिन हमें ऊंचाई यहाँ पर नहीं मिल पा रही। ऊंचाई ये वाली है, ये हम कह सकते हैं ये जो आपकी सी ई है ये ऊंचाई है, तो हम अगर सी ई को निकाल लें तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से सी ई को हम कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज बी ई सी, बी ई सी को ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको बी सी दे रखा है 5, बी ई दिया नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये पूरा है 8 और ये है 5, तो 8 माइनस 5 हो जाएगा 3। ठीक, 3 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो ये पूरा 8 है और यहाँ तक ये 5 है, तो ये आगे का कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा। ठीक, तो आपके पास ये दोनों चीज़ें हो गई। अब अगर ये ध्यान से देखो जो बी ई सी त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आपके आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ई सी स्क्वायर। ठीक, हमें ई सी ही तो चाहिए क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई है, तो ई सी हमें मिल जाए तो हम इस फॉर्मूले में फिट कर दें और इसका आंसर निकाल लें। तो बी सी आपका है 5 स्क्वायर हो जाएगा, बी ई आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर, ई सी आपको निकालना होगा। 5 स्क्वायर होता है 25, 3 स्क्वायर होता है 9, ये हो गया ई सी। ई सी अंडर रूट 16 हो जाएगा और ई सी निकल के आ गया 4। ठीक, ई सी कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, तो अब हम इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे। देखो इसको ध्यान से, 1/2 ऊंचाई कितनी निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई, और ये जो समांतर भुजाओं का योग है ये है 5 और नीचे वाली है 8, 8 × 5 होता है 13। अब 2 से 4 को काटो तो 2 × 4 हो जाएगा, 13 × 2 = 26, यानी 26 वर्ग सेंटीमीटर समलंब चतुर्भुज का ये क्षेत्रफल निकल के आ गया। कितना आ गया, 26 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर किसी को ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट में बताओ कि मुझे ये समझ में नहीं आया, फिलहाल मैंने ये अच्छे से समझा दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, 1/2 ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजाएं तो हमारे पास हैं लेकिन ऊंचाई नहीं, तो सबसे पहले हम ऊंचाई निकाल लें, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हमने ऊंचाई निकाल ली। अब यहाँ पर आपको ऊंचाई पता चल गई, तो अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख के समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लो। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 आपके सामने दे रखी है, एक पहिए की परिधि 320 सेंटीमीटर है, पहिए द्वारा पूरे 5 चक्कर लगाने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो पहिए की परिधि कितनी है, 320, यानी एक चक्कर में पहिया कितना चलता है, परिधि के बराबर चलता है, ये आपको हमेशा से पता होनी चाहिए। अगर हमें ये पता करना है कि एक पहिया एक चक्कर में कितना चल रहा है, तो आप केवल उसकी परिधि निकाल लो, आपको पता चल जाएगा एक चक्कर में पहिया कितना चल रहा है। एक चक्कर में पहिया चल रहा है 320 सेंटीमीटर, तो 5 चक्कर में कितना चलेगा, 320 × 5 1600 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो सीधा सीधा आंसर इसका निकलेगा, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो, अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये भी क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। आप तो सोचेंगे तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर कुछ ज़्यादा डेटा ना दिया हो प्रश्न में तो आप लोग को लगता है कि पता नहीं इसमें क्या करना है, और जबकि करना कुछ नहीं होता, सीधा देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया, आपका आंसर आ गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर है, सी ओ बी 100 दे रखा है, सी ओ बी यानी जो केंद्र पर कोण बना हुआ है वो 100 दे रखा है, सी डी ए कितना दे रखा है, 120, सी डी ए ये आपका दे रखा है 120, और डी सी पी यानी ये जो बाह्य कोण बन रहा है इसको 80 दे रखा है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है बी ए सी निकालो, बी ए सी ध्यान से देखेंगे, जो बी ए सी है एंगल बी ए सी ये जो है
ये एंगल बी ओ सी का आधा होगा। क्यों होगा? इसका एक फॉर्मूला, मतलब इसका जो सूत्र होता है कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना होता है वो शेष परिधि पर समान चाप के द्वारा बनाए गए कोण का दुगुना होता है। यानी जो आपका केंद्र पर कोण बना है वो दुगुना होगा, ठीक है, और जो वृत्त की परिधि पर बना होगा वो आपका आधा होगा। तो यहाँ पर ये आधा कर दिया गया, तो एक बटे दो बी ओ सी है आपका 110, तो ये आपका आ गया 55। यानी एंगल बी ए सी जो हमें चाहिए था वो तो 55 निकल के आ गया। अब अगर बात करें एंगल ए बी सी की, एंगल ए बी सी, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो जो आपका चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी में जो ए बी सी है उसको और एंगल ए डी सी को जोड़ने पर 180 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो ए डी सी आपका 120 दे रखा है, एंगल ए बी सी, ये 120 उठ के उधर चला जाएगा, 180 माइनस 120, तो एंगल ए बी सी आपका निकल के आ गया 60। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखो यहाँ पर जब ये करेंगे तो इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और जब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर समान चाप के द्वारा बनाए गए कोण का दोगुना होता है, ठीक है। तो ये आपको एक एक लाइन दोनों में लिखनी पड़ेगी, यानी इसमें भी लिखनी पड़ेगी और इसमें भी लिखनी पड़ेगी, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि आखिर आपने यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर 180 कर कैसे दिया, यहाँ पर आपने इसको आधा कर कैसे दिया, तो उसका रीज़न भी आपको मेंशन करना होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन थे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करके नीचे कॉमेंट में बताइए हमें। आपके लिए ये क्वेश्चन है क्योंकि घनमूल वाला जो ट्रिकी वीडियो है मैंने आपको उपलब्ध करा दिया था, अगर आपने वो ना देखा हो तो देख लेना कि किसी भी नंबर का घनमूल कैसे निकालें मात्र 2 सेकंड में। तो यहाँ पर 18.19, 14, 47 का घनमूल आपको निकालना है, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1.43, 2.53, 3.67 या फिर 2.63। जो भी इसका सही आंसर है नीचे कॉमेंट में बता देना, ताकि हमें पता चल जाए कि आप घनमूल आप तुरंत निकाल सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है घनमूल वाला, तो घनमूल वाला वीडियो भी ज़रूर देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लेना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।